Hello friends, Razul here. Today we will start a new chapter of class 6 science, chapter number 3, fiber to fabric. In this chapter we learn about types of fabrics. There are two types of fabrics. First is natural fabrics and second is synthetic fabrics. Natural fabrics, which are of natural materials, and synthetic fabrics are made up of man-made materials. Natural fabrics are two types of fabrics further: animal fabrics and plant fabrics. In animal fabrics, like these are some examples of animal fabrics: wool, silk, fur. And plant fabrics, these are some examples: flax, cotton, jute and hemp, etc. In this chapter we will also learn about cotton and jute in detail. And there is a synthetic fibers, there are examples of this: nylon, polyester, PVC, terephthalene, etc. Now we will start our chapter. People living in different parts of the country and the world wear different kinds of clothes depending upon the weather condition and the culture. People living in different parts of the country and the world wear different kinds of clothes depending upon the weather condition and culture. लोग जो हमारे country में अलग अलग parts में रहते हैं और world के जो different people हैं वो different types के clothes डालते हैं depending upon the weather condition. ये उनकी weather condition पे और उनके culture पे depend करता है. We can identify a person's culture from the clothes worn by him. या depend करता है. Feel the material of your uniform, shirt, pant or skirt, tie, belt and socks. You will find that all of these materials are made up of different kinds of materials. So, अगर हम feel करें हर एक चीज़ के जो हमारी uniform जो बच्चे डालते हैं, आप लोग डालते हो, तो shirt, pant, skirt वगैरह ये सब जो आपके material हैं, वो अलग-अलग materials के बने होते हैं. Some are soft and some are coarse. कुछ सॉफ्ट है और कुछ कोर्स है, कुछ हार्ड मटेरियल के होते हैं. ऑल्सो योर स्कूल यूनिफॉर्म चेंजेस इन डिफरेंट सीजन्स. इन विंटर यू वेयर स्वेटर्स, वुलन पैंट, स्कर्ट, वुलन ब्लेजर्स, वुलन सॉक्स. इन समर यू वेयर कॉटन यूनिफॉर्म. द अबव मेंशनड ऑब्जर्वेशंस शो दैट लाइट कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर एंड डार्क वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर. अब ये हमें पता ही है कि जो लाइट कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, कॉटन के जो बने हुए क्लोथ्स होते हैं, उनको हम समर में डालते हैं और जो डार्क वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको हम विंटर में यूज़ करते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशन सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन. और क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड और रेन से. ये यहाँ पे कुछ दिखाए हुए हैं, समर के क्लोथ्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे वेराइटीज़ दिखाई हुई हैं अलग अलग, और यहाँ पे विंटर की वेराइटीज़ दिखाई हुई हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नोटिस द डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ वेरियस क्लोथ्स या फैब्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, अराउंड योर सेल्फ. यू विल फाइंड दैट द सीट कवर्स ऑफ अ कार और बस आर मेड अप ऑफ स्टर्डी फैब्रिक्स, वेयर एज द फैब्रिक्स यूज इन योर ड्रेस आर सॉफ्ट. अब ये है कि आपको डिफरेंस पता चल सकता है. अगर आप सीट कवर्स को देखो एक कार या बस की, वो हार्ड मटेरियल से बने होंगे बजाय कि आपके इन कंपैरिजन टू योर यूनिफॉर्म मटेरियल. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, मींस ये क्लोथिंग की हिस्ट्री, मींस कहाँ से आई है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स. तो पुराने समय में जो लोग थे वो आपको पता ही है कि लीव्स का यूज़ करते थे अपनी स्किन को ढकने के लिए, कवर करने के लिए, या फिर फर्स का यूज़ करते थे. पीपल यूज टू जस्ट रैप दिस अराउंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वेज. तो उस टाइम पे स्टिचिंग का नहीं पता था किसी को भी, तो वो क्या करते थे, जस्ट रैप करते थे अपनी बॉडी के, जिस भी बॉडी को उन्होंने कवर करना होता था उसके आसपास उनको रैप करते थे. After people began to settle down in different communities and with the development of agriculture, जैसे जैसे agriculture की development होती गई, they learned to weave twigs and grasses into mats, basket and other utility items. तो धीरे धीरे increase होता गया. They also used to twist vines, means climbing जो plants होते हैं उनको,
ट्विस्ट करना शुरू कर दिया. एंड एनिमल फ्लीस, फ्लीस मीन्स होता है हेयर, एनिमल्स के हेयर स्पेशली, ठीक है, या फिर उनको वूल कोट ऑफ एनिमल्स भी कह सकते हैं, और हेयर इंटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. दीज लॉन्ग स्ट्रैंड्स वर ऑफन वॉर्न इंटू फैब्रिक्स, तो उनको स्ट्रैंड्स को फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है. इन इंडिया कॉटन आर ग्रोन नियर द रिवर गंगा ड्यूरिंग हड़प्पा पीरियड एज अर्ली एज 2500 BC. मीन्स पुराने समय में ये शुरू हुआ था कॉटन की जो ग्रोथ होनी. देर आर एविडेंसेज शोइंग फ्लैक्स, फ्लैक्स को लिनन भी कहते हैं, अ प्लांट दैट गिव्स फाइबर्स विच वर यूज इन इजिप्ट 7000 ईयर अगो. फिगर 4.5 में ये दिखाए हुए है, देखो क्या है ये लिनन. इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. देन एट द टाइम स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू पीपल, स्टिचिंग नहीं आती थी लोगों को. दे सिंपली यूज टू ड्रैप अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड दैम, ठीक है, सिंपली वो ड्रैप करते थे, मीन्स कवर कर लेते थे. दिस इज हाउ साड़ीज वोन बाई वुमेन ओरिजिनेटेड इन इंडिया. जैसे आजकल जो आज के टाइम में भी साड़ीज को डाला जाता है, वुमेन डालती हैं साड़ीज को इंडिया में. इन्वेंशन ऑफ सेविंग नीडल लेड टू द स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस सच एज शर्ट्स, पैंट, सूट्स, ब्लाउजेज एंड स्कर्ट्स. मतलब जब सेविंग नीडल आई तो उसके बाद ही स्टिचिंग की इन्वेंशन हुई. इवन टूडे फैब्रिक्स लाइक साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन आर वोन एज अनस्टिच्ड क्लोथ्स. इवन कि आज भी लोग ये सभी डालते हैं जो अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सभी. नेक्स्ट इज, ये देखो यहाँ पे भी कुछ फिगर दिखाई हुई है नीडल और स्पिंडल की, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं. Nowadays, a large variety of fabrics is available. Some are of plant origin, some are of animal origin, and some are man-made. कुछ plant origin है, कुछ animal origin है, और कुछ है man-made. Based on the origin, the fabrics can be classified into natural fabric and synthetic fabric. Natural fabric मतलब जो nature से मिलती है हमें, और synthetic fabric जो man-made fabric होती है. So first हम पढ़ेंगे natural fabric के बारे में. फैब्रिक्स मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स. दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं ये, एनिमल फैब्रिक एंड प्लांट फैब्रिक. एनिमल फैब्रिक क्या है, फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनिमल रिसोर्सेज, आर वूल, कश्मीरे, फर एंड सिल्क. Wool is obtained from the fleece of sheep and the hair of yak and camel, alpaca, guanaco and vicuna. Kashmiri, a clothing fabric is obtained from Kashmiri goats. ठीक है. And fur of various animals such as rabbit, beaver, mink and muskrat is also used as clothing. Silk is obtained from silkworm, which is a large white moth caterpillar. ठीक है, तो ये सभी क्या है, एनिमल फैब्रिक. वूल हो गया, कश्मीरे हो गया, फर हो गया, सिल्क हो गया. नेक्स्ट वन इज प्लांट फैब्रिक. फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लांट्स आर फ्लैक्स, रेमे, हेम्प, कॉटन एंड जूट. ये सभी क्या है, प्लांट फैब्रिक्स. यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, फ्लैक्स, कॉटन, जूट. यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिखाए हुए हैं, जैसे जो एनिमल फैब्रिक्स से रिलेटेड है, शीप, सिल्कवॉर्म से सिल्क, यॉक, और ये है वैक्यूना. ठीक है. सो कोकोनट ट्रीज बियर कोकोनट फ्रूट विच आर यूज्ड इन देयर एंटायरली. कोकोनट फाइबर्स आर क्लीन, स्मूथन एंड मेड इनटू वेरियस डॉल्स एंड टॉयज विद बीड्स एंड कलर्ड थ्रेड्स टू गिव देम अ डेकोरेटिव अपीयरेंस. मतलब इनसे भी ये सभी चीज़ें बनाई जाती है, कोकोनट ट्रीज से, उनके फाइबर से. ठीक है, यहाँ पे ये दिखाए हुए कोकोनट ट्री. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर. फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. मतलब जो फैक्ट्रीज में बनाई जाते हैं फैब्रिक्स, मैन मेड फाइबर्स जिनको बोलते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फैब्रिक्स.
For example, nylon, polyester, PVC means polyvinyl chloride and terylene. इन सभी के बारे में हम higher classes में study करेंगे 8th class में. Rest of the chapter is in next part. Thank you for watching. Subscribe and share my channel if you like. Thank